हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? अच्छे हो? स्वस्थ हो? मज़े में हो? मैं भी बहुत मज़े में हूँ। मज़े में नहीं, मतलब तो थोड़ा रिलैक्स हो गया है। आज मैं बीच फीवर आ गया था काफ़ी, तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी मतलब आज है संडे, और संडे का ब्लॉग मतलब आज मैं 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था, मैंने जैसे मैंने सारा कुछ खाया पिया सब कुछ, ऐसा लग रहा कुछ किया ही नहीं है मैंने, आज कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ अधूरा सा है ऐसा फील हो रहा था। तो मुझे लगा ऐसा क्या है यार जो मैंने किया नहीं है ऐसा, मतलब लाइफ में ऐसा कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हुई नहीं है, मुझे अजीब सा फील हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैं अपनी फैमिली से मिल ही नहीं पाई हूँ, रूम नहीं हो पाई हूँ, तो अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं अभी यहाँ पर बाहर आई थी, तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और धूप नहीं है बिल्कुल भी, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। 3 बजे है, ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा था कि हवा चल रही है, तो यहाँ पे पेड़ पेड़ यहाँ पे वैसे भी अच्छा लगता है शाम को, यहाँ पे एकांत में बैठ जाओ ना आके तो बहुत अच्छा लगता है। और तो मतलब ज़िंदगी में कोई जैसे किसी चीज़ की होती नहीं, ऐसा ही मेरे साथ हो गया, मतलब एक लगाव हो गया आप लोगों से, जैसे कि मुझको ऐसा लगता है कि कब सब कुछ कर लिया, उसके बाद में भी ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो मैंने आज किया नहीं है, ऐसा क्या है जो मैंने आज किया नहीं है। अरे हम लोगों से बात नहीं हो पाई तो और फिर मैंने जिसके आज ना 155 सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं बहुत जल्दी 1 मिलियन में कंप्लीट हो जाऊंगी। मुझे अच्छे से पता, हम काफ़ी बड़ी फैमिली बनाएंगे मिलके बनाएंगे, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्दी ये पूरा भी होगा। और मुझे लगता था कुछ कर नहीं, मतलब कुछ हो ही नहीं, सब लोग बोलते नहीं है कुछ कर नहीं पाएगी, कुछ होगा नहीं, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सारे मजाक बनता है मेरा किसी चीज़ का, तो अभी मैं किसी से कुछ कहने लायक नहीं हूँ। और बहुत जल्दी शायद मैं बात कर पाऊँगी। और मेरी सासू माँ एक साड़ी लेके आई हैं, मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ आज, देखो साड़ी है नेट की है, और ये आगरा से लेके आई थी, ये इसका ब्लाउज का पीस है। देखो इसकी नेक भी अच्छा पर लगेगा इसका ना, ये बैक का आएगा, बैक का पूरा पोर्शन है ब्लाउज में बैक वाला, और ये इधर फ्रंट है, ये स्लीव है, अच्छा है। और साड़ी नेट फैब्रिक है, और काफ़ी अच्छी साड़ी है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है, आप लोग भी बताना आपको कैसी लगी है। और एक सेकंड तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि फैमिली में हो या हम लोग हो, हम भी तो एक फैमिली बन चुके हैं, तो कुछ भी होगा मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगी जो भी है मेरे से रिलेटिव है। तो मेरे को क्या है कि आज ना थोड़ा सा ये पिंपल्स भी निकला है, इसकी वजह से भी पेन हो रहा है, अभी पूरा मुंह सूजा हुआ है मेरा, तो उसकी वजह से भी मैं कोई बात नहीं कर पा रही हूँ। और तो आज क्या था, और मेरी ना एरी में काफ़ी देर से, ऐसा कि हम कृष्ण देवी गए थे तभी से मेरा बहुत दर्द हो रहा था तभी से ही, उसमें क्या है नस है, नस की वजह से फूल गई है नस, तो मैं सोच रही थी कि वैष्णो देवी गए हैं तभी से ही शायद पेन हो रहा है, उसकी वजह से ही हो रहा है, तो अब तो काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को जाए हुए, उसके बाद में अभी भी पेन नहीं हुआ है, तो बंद नहीं हुआ है अभी तो। अभी क्या, मैं कल मंडी गई थी तो उसके बाद तो और ज़्यादा होने लगा था, अब तो मैं चल ही नहीं पा रही, उसकी पेन की वजह से ही इतनी तेज़ फीवर आ गया कि बिस्तर पर पड़ गई,
मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ पढ़ूँ। यह कंडीशन हो गई थी मेरी। मैं रात को 3:30 बजे करीब सोई थी, इतना दर्द हो रहा था, मेडिसिन खा के सोई थी। और थोड़ा कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी मेरी ये पुरानी ड्रेस है जो मैंने अभी पर निकलवाया। ऐसा था कि मैं मोटी हो गई हूँ, फैल गई हूँ, तो अभी से मैंने लूज़ किया है थोड़ा सा, तो ये सब ढीली की थी मैंने। और ये ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी अपने लिए, तो अच्छा काम कर लेती है। पर अब क्या है, मैं बना नहीं पाती हूँ। एक मेरी आँख में दिक्कत है, मेरी आँख में मांस बढ़ा हुआ है, साइड से नहीं दिख रहा है इधर। तो मेरा इलाज भी चला था अलीगढ़ से, मैंने अपना इलाज भी कराया था, उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं हुआ, सही नहीं हुई। तो वो साइड से किरकिराता है, आँख में बहुत पेन होता है। अगर धूल मिट्टी चली जाती है तो उस दिन तक लगता है कि जान निकल गई। और तो इसकी वजह से मेरे आँख में ना बहुत दर्द तक खुलती भी नहीं है कभी कभी, तो इतना दर्द हो जाता है। और ज़्यादा कुछ नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अच्छा लग रहा है, सच में बहुत खुश हूँ मैं कि मैं 155 मेरे सब्सक्राइबर हो चुकी हैं, मतलब 155 की फैमिली हो चुकी है। बहुत बहुत, और यहाँ इस ब्लॉग के हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।